जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे हिंदू समाज में हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है। पूजा ना भी करे तो उसके घर में एक भगवान की तस्वीर जरूर होती है, जिसको वो रोज कम से कम घर से बाहर निकलने के पहले सुबह शाम नमन जरूर करता है, प्रणाम जरूर करता है, ताकि भगवान उनके जीवन के कष्टों को दूर करे और घर में खुशियाँ भरे, मानसिक सुकून दे। आखिर हम भगवान के पास आते क्यों हैं? मानसिक शांति के लिए, चाहे घर हो या बाहर। आप जहाँ रोज एक ही समय पर, नियत समय पर प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, वहीं पर निगेटिव एनर्जी भाग जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और आप अपने घर में पूजा पाठ तो करते ही होंगे। पूजा पाठ करने से आपका मनोबल ऊंचा रहता है, हर समय आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, भगवान का हाथ होता है आपके सर पे। घर के एक हिस्से में भगवान के लिए स्थान जरूर बनाया जाता है, लेकिन कई बार आपके द्वारा की जा रही पूजा का फल आपको मिलता ही नहीं। तो आखिर आपकी पूजा करने में कमी है या कहीं कोई ऐसा वास्तु दोष है जो आपकी पूजा को स्वीकार होने ही नहीं दे रहा? तो घर में बने जो मंदिर है, चाहे वो आप कहीं भी पूजा करें, मंदिर यानी जहाँ भगवान का स्थान है, जहाँ पर आप दिया जलाते हैं, तो वो स्थान कैसा है और कौन सी वस्तु ऐसी है जो मंदिर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, वरना आपकी पूजा स्वीकार ही नहीं होगी। देखिए, पूजा हमेशा वास्तु की बात करें तो घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर करें तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। अगर घर में बना जो आपका मंदिर है वास्तु के विपरीत हो, मंदिर नहीं भी है, आप कहीं भी पूजा करते हैं, तो अगर आप वो सही जगह नहीं है तो मन भी आपका पूजा में नहीं लगेगा और इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। अब ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स जो आपके पूजा को के जो आप पूजा करते हैं जब भगवान को, तो आपकी पूजा जल्दी स्वीकार होगी। इसके लिए सबसे पहली बात तो एक भगवान की मूर्ति एक ही रखें, दो ना रखें। दूसरी, भगवान गणेश की तीन प्रतिमा, तीन मूर्ति पूरे घर में नहीं होना चाहिए, सिर्फ पूजा स्थान में नहीं बल्कि घर में होना ही नहीं चाहिए। दो बस बहुत है, एक आप अपने घर में मूर्ति रख सकते हैं जहाँ पूजा करते हैं, और कहीं पर तस्वीर भी लगा सकते हैं, नहीं तो शुभ कार्यों में अड़चने आएंगी, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ने लगेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी टूटी फूटी भी मूर्ति या तस्वीर है, बहुत पुरानी हो गई है, ऐसे तस्वीर की मूर्ति की पूजा ना करें, वरना नकारात्मकता बढ़ेगी और देवता भी नाराज होंगे। घर के जो मंदिर है, जो पूजा स्थान है, हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही बनाए। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा अशुभ दिशा होता है, इस दिशा में पूजा पाठ आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपको उतने फल नहीं मिलेंगे। और घर के मंदिर में दो शंख मत रखिए। आप अब जैसे बहुत सारे घरों में होता है कि आप एक शंख स्थापित कर देते हैं, एक बजाते हैं। देखिए, जो स्थापित कर दिए वो तो ठीक है, पर बजाने वाला एक साथ ना रखें, उसे हटाकर कहीं अलग से रखें। तो घर के मंदिर में दो शंख एक साथ नहीं रखना है। वास्तु के अनुसार मंदिर जहाँ पर आप भगवान की पूजा करते हैं आसपास शौचालय मत बनवाइए। और दूसरा, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी घर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा स्थान पर अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो अंगूठे से छोटा रखें, और पारद शिवलिंग रख लें तो आपकी पूजा भी जल्दी स्वीकार होगी। देवी देवताओं की हमेशा सॉफ्ट मुद्रा, सौम्य मुद्रा में मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाइए। अब ये नहीं कि आपने तस्वीर लाई है, मूर्ति लाई है और भगवान का आँख ऊपर की ओर देख रहा है, नहीं, भगवान की आँखें आपको देखे, आपको आशीर्वाद दे, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ऐसी ही मूर्ति या तस्वीर आप ला के रखिएगा, ये आपके लिए बढ़िया होगा। उग्र देवी देवताओं की मूर्ति स्वरूप वाली तस्वीरें मत रखिएगा, वरना जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएगी। और हनुमान जी की भी जरूरत से ज़्यादा बड़ा मूर्ति नहीं रखें। और जब हनुमान जी की आप मूर्ति घर में रखते हैं तो प्रयास ये करें कि हनुमान जी बैठे हुए हों, खड़े हनुमान जी की तस्वीर की पूजा मत कीजिएगा। तो पूजा करने में मन अगर एकाग्र ना हो रहा हो तो धन संपत्ति का नुकसान होने लगता है। भूल कर भी आप अपने स्टोर रूम में पूजा का स्थान मत बनाएं और ना ही बेडरूम में आप पूजा करें। तो आप भूलकर भी पूजा की अलमारी ऐसे स्थान पर भी ना रखें जहाँ पर कबाड़ है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब जैसे कि आप घर में रोज़ मंदिरों में फूल चढ़ाते होंगे,
तो भगवान की पूजा के फूल आप ये नहीं कि बासी पड़े हुए हैं घर के कोने में रखे हुए, ये सही नहीं है, आप उनको हटाइए। कोशिश करें कि शाम के समय ही हटा दें, क्योंकि जो सूखा हुआ पुष्प है वो परेशानी को, दरिद्रता को, गरीबी को, अकाल मृत्यु, मंगल दोष जैसी समस्याएं पैदा करता है, इसलिए उनको तुरंत हटाइए। पूजा घर में मूर्तियों को लेकर ये भी नियम है कि गृहस्थ लोगों को बड़ी मूर्तियां मंदिर में अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और पूजा घर में भूलकर भी अपने पितर देवों की तस्वीर मत लगाइएगा, शास्त्रों में इसे भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में लगाने से सही नहीं होता। आप अपने घर के दक्षिणी दीवार पर लगाइए ताकि पितर प्रसन्न हों, लेकिन मंदिर में मत रखिएगा। तो मंदिर में रसोई घर भी मत बनाइए, क्योंकि वास्तु के अनुसार भी ठीक नहीं है ये। और शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हमेशा इसको बदलिए मत, बल्कि शंख को आप रोज़ बजाइए, सुबह 3 बार, शाम में 3 बार। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो उनकी सेवा कीजिए, उनको रोज़ स्नान करवाइए, वस्त्र बदलिए, और कम से कम प्रतिदिन उनको 3 प्रहर में कम से कम भोग और प्रसाद जरूर उनको अर्पित कीजिए। अगर लड्डू को गोपाल को लेकर आप कहीं जा रहे हैं तो आप लेकर जाइए, उन्हें घर में बंद करके मत जाइएगा, क्योंकि उन्हें बिना भोजन कराए आप खा भी नहीं सकते। इसलिए जो व्यक्ति नियम करते हैं उनके घर में देके जाइए उन्हें। अब जैसे शिवलिंग रखिएगा तो शिवलिंग आप हमेशा ही अंगूठे से छोटा ही रखें। घर में नुकीली चीज़ें मत रखिए, धारदार चीज़ें भी मत रखिए, नहीं तो आपकी पूजा का पूरा फल भी आपको नहीं मिलेगा, मन भी एकाग्र आपका नहीं रहेगा। और अंत में जब आप पूजा करते हैं तो एक निश्चित समय पर रोज किया करें, तब आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। मोर पंख अपने पूजा स्थान पर जरूर रखिए, माना जाता है मोर पंख रखने से घर में सकारात्मकता आती है, और भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है, तो आप भगवान श्री कृष्ण के माथे पर सजा कर रखें। मोर पंख रखने से घर में कीड़े मकोड़े वगैरह भी नहीं आते। गंगा जल, हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है, और हर घर में पूजा स्थान पर गंगा जल भी होता है, तो मंदिर में गंगा जल रखने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लेकिन जब भी आप गंगा जल रखें तो चांदी या पीतल के बर्तन में रखें, घर में सुख शांति बनी रहती है। शंख तो आपको रखना ही है, और शंख से आप जल भी भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान को अपने पूजा स्थान पर मत रखें, बल्कि शालिग्राम भगवान को आप अपने तुलसी जी के स्थान पर रखें, क्योंकि शालिग्राम भगवान हमेशा घर से बाहर रहते हैं तुलसी जी के पास। जीवन में आर्थिक समस्या नहीं आती जिस घर में शालिग्राम भगवान होते हैं। तो गंगा जल के साथ गौमूत्र भी है जो बहुत पवित्र होता है, और जिस घर में गौमूत्र रखा होता है देवी देवताओं का आशीर्वाद भी बरसता है। आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप सुबह के समय दिया बाती करते हैं, सुबह जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें एक लौंग जरूर डालिए। आपके जीवन में ऐसी कोई भी अधूरी इच्छा नहीं रहेगी जिसे आप पूरी करना चाहते हैं और वो पूरी ना हो, क्योंकि लौंग जब आप डालते हैं तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और शाम में जब दिया बाती करेंगे तब सरसों के तेल का दीपक हो या घी का, ये आप क्या जलाते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन गुरुवार के दिन छोड़कर बाकी दिनों में आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। कोई भी चीज़ का दीपक जलाएं, लेकिन दिया में अगर एक चुटकी पीली सरसों या काली मिर्च डाल दें, क्योंकि काली मिर्च एक दाना भी डाल देते हैं तो शत्रु शांत रहेंगे। अगर पीली सरसों डालते हैं तो अतृप्त आत्माएं आपको परेशान नहीं करेगी, यानी कई बार घरों में डर भी लगता है, लगता है जैसे पीछे कोई है या आपने बुरे सपने देखे, तो ऐसा कुछ आपके घर में हो रहा है तो आप पीली सरसों डालकर शाम में दिया बाती करना शुरू कर दें, आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।